Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Maliki is here to discuss with you from Lims University, Multan. Dear students, this is your lecture number six regarding your course Modern Literary Theory. And in today's lecture, we are going to discuss language theory by Ferdinand de Socio. The theory about language that was presented by Ferdinand de Socio, we are going to discuss. Dear students, first of all, there is an introduction regarding Ferdinand de Socio. he was born in 26 november 1857 and died in 22 february 1913. he was swiss linguist and semiotician. Yarni language, ke se, an expert a semiotician is a person who has the knowledge of symbol and signs. रिगार्डिंग लैंग्वेज लैंग्वेज से मुतालिक जितने भी हमारे सिम्बल और साइंस होते हैं उसका वो एक्सपर्ट था हीज आइडियाज लेट अ फाउंडेशन फॉर मैनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स बोध इन लैंग्विस्टिक्स एंड सीमियोलॉजी इन द ट्वेंटी सेंचुरी यानी फॉरिन डी सोसियो के जितने भी आइडियाज थे रिगार्डिंग लैंग्वेज तो उसने बीसवीं सदी की जो सिमियोलॉजी थी और लैंग्विस्टिक्स थी यानी लैंग्वेज और जितने भी साइंस और सिंबल्स थे उसकी डेवलपमेंट में उसने बहुत अहम किरदार अदा किया ही इज़ नोन एज अ फ़ादर ऑफ़ मॉडर्न लैंग्विस्टिक मॉडर्न लैंग्विस्टिक का वो फाउंडर माना जाता है फादर माना जाता है Course in General Linguistics Then there is a book that is uh, written by Ferdinand de Saussure lectures. It is a book completed by Charles S. Ballet and Albert from notes on lecture given by Ferdinand de Saussure at University of Geneva between 1906 and 1911. यानी जब रिसोसियो जीनीवा की यूनिवर्सिटी में लेक्चर ड्री किया करते थे 1906 से लेकर 1911 सौ तक तो चार्लस वैली और एल्बर्ट ने जो है वहाँ उन लेक्चर्स से लेके जितने भी उसके नोट्स होते थे उसको एक बुक की फॉर्म दे दी और इस बुक को पब्लिश किया गया कब इट वाज पब्लिश्ड इन 1916 आफ्टर सोसियोज डेथ और सोसियो की डेथ के बाद जो है इसको पब्लिश किया गया इट इज जनरली रिगार्डेड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चुरस्टिक अब ये किताब जो है उसकी स्ट्रक्चरल लैंग्विस्टिक के हवाले से एक स्टार्टिंग पॉइंट था सी देयर आर थ्री सिमियोलॉजी फर्स्ट इज लैंग्वेज second इज लैंग एंड थर्ड इज पैरोल थ्री assumption. अब इनके हवाले से तीन assumption है के लैंग्वेज क्या है लैंग्वेज जो है ये आर्बिट्ररी है लैंग क्या है ये रिलेशनल है पेरोल क्या है ये कन्वेंशनल है जो तीस तीनों पॉइंट हमने पीछे पढ़े हैं उस हवाले से ये हमारी जम्पन है रिगार्डिंग लैंग्वेज जैसे कि आप लोगों ने लिंग्विस्टिक्स में पढ़ा होगा कि डेफिनेशन जो है लैंग्वेज की कि लैंग्वेज जो है ये आर्बिट्रेरी होती है यानी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो लैंग्वेज अडॉप्ट करने की सलाहियत है वो इनबॉर्न होती है अब लैंग्वेज वो कौन सी सीखेगा जिस माहौल में उसकी अपब्रिंगिंग होगी लैंग्वेज सीखने की सलाहियत जो है वो इनेट होती है ठीक है यानी इनबॉर्न होती है स्ट्रक्चुरोच टू लैंग्विस्टिक ओरिजिनेटिड फ्राम द वर्क ऑफ स्विस लैंग्विस्ट सोसियो अब ये जो स्ट्रक्चरल लैंग्विस्टिक्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई कहाँ से स्टार्टेड हुई सोसियो के काम से इट इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल अप्रोच ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म यानी जो एक नई थ्योरी जो है वो पेश की गई लैंग्वेज के हवाले से उस हवाले से डी सोसियो का जो वर्क है वो रिमार्केबल है उसने एक फाउंडेशन प्रोवाइड की नेक्स्ट जो आने वाले लैंग्विस्ट थे लैंग्विस्टिकलेक्टिंग कार्पर्स एंड अटरेंसीज एंड देन अटेम्प्टू क्लासीफाई ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कॉर्पस एट देयर डिफरेंट लैंग्विस्टिक लेवल यानी एक लैंग्वेज में जितनी भी आप अटरेंसेज जो है वो यूज़ करते हैं यानी जितनी भी आपकी अटरेंसिस अदा होती हैं उसमें क्या किया जाता है स्ट्रक्चरल में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं सेपरेटली दी आइडिया ऑफ लैंग्वेज लैंग एंड पैरोल अब हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं सोशियो डिस्टिंग बिटवीन लैंग्वेज लैंग एंड स्पीच लैंग्वेज लैंग्वेज इज आ वेल डिफाइंड होमोजीनस ऑब्जेक्ट अब लैंग्वेज क्या होती है लैंग्वेज जो है वो उसमें जितने भी रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं इट इज दोजीनस मैथ ऑफ स्पीच फैक्ट होमोजीनस का मतलब होता है सेम और हेट्रोजीनस का मतलब होता है डिफरेंट लेकिन ये जो स्पीच के डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं फैक्ट्स होते हैं ये उसका मैस होती है लैंग्वेज हैज़ हेट्रोजीनस एंड इट हैज़ मैनीसाइट अगर लैंग्वेज हेट्रोजीनस है तो फिर इसके बहुत सारे पहलु होंगे बहुत सारे आस्पेक्ट्स होंगे इट्स बिलोंग टू बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लैंग्वेज चूँकि खुद खुद क्रिएट नहीं होती है इसको लोग क्रिएट करते हैं इन आ सोसाइटी एक सोसाइटी में जब लोग रह रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए उन्हें कोई ना कोई लैंग्वेज जो है वो अडॉप्ट करना पड़ती है लैंग्वेज इज अ सेल्फ कंटेंट होल एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आल्सो इट इज सोशल अब लैंग्वेज जो है वो एक सोशल फिनमुना है यानी जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं आपको उस सोसाइटी की लैंग्वेज अडॉप्ट करना पड़ती है अदरवाइज आप उस सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते हैं वाइल्ड पैरोल इज हेट्रोजीनस एंड इंडिविजुअल स्पीकिंग अब लैंग्वेज का ताल्लुक जो है वो कम्युनिटी से होता है पैरोल का ताल्लुक जो है इंडिविजुअल से होता है कि वो किसी लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर रहा है क्या उसका कोई अपना अंदाज है उसे इस्तेमाल करने का चूँकि लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो उर्दू लैंग्वेज की अपनी ग्रामर है अपने रूल्स हैं अपने रेगुलेशंस हैं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की अपनी ग्रामर है उसके अपने रूल्स हैं अपने प्रिंसिपल्स हैं इसी तरीके से अगर हम अरेबिक को लेते हैं तो अरेबिक की अपनी ग्रामर है उसको रूल्स अपने हैं तो जितनी भी लैंग्वेज़ हैं दुनिया में उन सबके अपने अपने रूल्स होते हैं वो प्रिंसिपल बेस्ड होती हैं ठीक है, है? जबकि पैरोल जो है वो इंडिविजुअल का अपना स्पीकिंग जो कंसर्न है उससे है इसका ताल्लुक़ द साइन वर्ड हैज़ मीनिंग ऑफ लेयर्स एंड इट हैज़ साइन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड अब सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या होते हैं सिग्निफाइड का मतलब होता है कॉन्सेप्ट और सिग्निफायर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसके लिए कोई वर्ड यूज करते हैं Suppose हम कहते हैं चेयर ठीक है तो चेयर ये आपका क्या है सिग्नीफायर है वर्ड चेयर जो है वो क्या है सिग्नीफायर है ठीक है लेकिन उसका जो इमेज है वो हर किसी के माइंड में डिफरेंट होगा किसी के माइंड में हो सकता है वुड वाली चेयर हो किसी के माइंड में आयरन चेयर हो किसी के माइंड में स्टील वाली चेयर हो किसी के माइंड में जो है वो आम वाली चेयर हो किसी के माइंड में विदाउट आम वाली चेयर हो किसी के माइंड में रिवॉल्विंग चेयर हो तो चेयर की आपको पता है इतनी सारी वैरायटीज हैं जब हम वर्ड चेयर कहेंगे तो वर्ड चेयर इट्स सेल्फ इज सिग्निफायर लेकिन उससे जो आप आइडिया गेट कर रहे हैं हर इंडिविजुअल के माइंड में उसका एक इमेज बनेगा जो कॉन्सेप्ट बनेगा उसे हम क्या कहते हैं सिग्निफाइड कहते हैं द साइन इज द होल दैट रिजल्ट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ द सिग्निफायर विद द सिग्नीफाइड अब ये जो साइन होता है यानी जो वर्ड चेयर जब हमने बोला और एक इमेज बन गया तो इसका जो रिजल्ट है इसका ताल्लुक जो है वो सिग्निफायर से होता है विद द सिग्निफाइड के आपका वर्ड क्या है और आपका कॉन्सेप्ट क्या है द रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज रेफर टू एज अ सिग्निफिकेशन यानी सिग्निफायर और सिग्नी sign... फाइड के दरमियान जो रिलेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं सिग्नीफिकेशन कहते हैं असाइन इज अ रेकग्नाइजेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्निफायर विद अ पर्टिकुलर सिग्निफाइड अब ये तो अंडरस्टूड बात है कि कोई भी आपका सिग्निफायर होगा तो उसका सिग्निफाइड तो होगा क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं जो वर्ड आप यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए तो आप उससे फेमिलियर हैं इसी तरीके से सपोज हम पेन यूज करते हैं तो पेन का जो वर्ड है वो आपका सिग्नीफायर है लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है उसका जो इमेज आपके माइंड में बनेगा वो आपका सिग्निफाइड होगा मिसाल के तौर पे द वर्ड काओ इसमें काओ की एग्जांपल दी गई है अब जो वर्ड काओ है ये आपका सिग्नीफायर है अब काओ की आप देख लें इतनी वराइटीज़ हैं फिर इसके कलर जो है वो डिफरेंट हो सकता है फिर काओ का ये भी हो सकता है किसी के माइंड में जो है वो ब्लैक हो किसी के माइंड में वाइट हो किसी के माइंड में ब्राउन हो किसी के माइंड में डाउट जो डॉट वाली काओ होती हैं वो हो फिर ये भी हो सकता है कि किसी के माइंड में यंग काओ हो किसी के माइंड में उसका बेबी हो या किसी के माइंड में ओल्ड हो तो किसी के माइंड में हेल्दी हो किसी के माइंड में वीक हो तो ये जो सिग्निफाइड होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है सेंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स एंड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स सेंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स का क्या है और डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स क्या होती है इसको देखते हैं सैक्रॉनिक लैंग्विस्टिक्स कन्फाइन्स टू द स्टडी ऑफ हाउ अ लैंग्वेज इज स्पन बाई आ स्पेसिफाइड स्पीच कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इसमें सेंक्रॉनिक लंग्विस्टिक में हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे किसी भी सोसाइटी में लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है विदाउट ऑब्जर्विंग द चेंजेस ऑफ दैट लैंग्वेज हम इसमें लैंग्वेज में जो चेंजिज अकर्ड हुई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वी डू नॉट कंसर्न विद दैम तो हमारा ताल्लुक उन चेंजेस से नहीं होता हमने सिर्फ गिवन टाइम पर जो उस लैंग्वेज की सिचुएशन होती है सिर्फ उसको स्टडी करना होता है जब हम लैंग्वेज को उसके गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सैंक्रॉनिक लैंग्विस्टिक्स फॉर एग्जाम्पल चेयर डायक्रोनिक लैंग्विस्टिक इज द काइंड इन विच वी स्टडी द हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू आउट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम अब इसमें हम चेंजेस देखते हैं कि कोई लैंग्वेज स्टार्ट में कैसी थी मिडल में कैसी थी और अब कैसी है सपोज हम इंग्लिश लैंग्वेज ले लेते हैं तो हिस्ट्री जैसे कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ चुके हैं तो उसमें आपको पता है कि जो प्रेजेंट हमारी इंग्लिश है दैट इज़ क्वाइट डिफ़रेंट फ्रॉम द मिडल एज़ वेल एज़ फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश जो ओल्ड इंग्लिश थी वो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है जो हमारी प्रेजेंट या करंट इंग्लिश है तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखेंगे चेंजेस के साथ उसको स्टडी करेंगे तो फिर हम उसको क्या कहेंगे डायक्रोनिक लैंग्विस्टिक्स कहेंगे अगर हम इंग्लिश को जस्ट एट करंट टाइम पे देखेंगे कि किस तरह से बोली जाती है कौन कौन सी वर्डिंग यूज़ होती है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे सैंक्रॉनिक लैंग्विस्टिक्स दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैंक्रॉनिक लैंग्विस्टिक्स एंड डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक सिंटेगमैटिक एंड पैराडिमैटिक सिंटेगमैटिक एंड पैराडिमैटिक कंट्रोल हाउ साइन रिलेट टू ईच अदर सिंटेगमैटिक That is relevant to syntax, the structure of sentence. Paradigmatic, paradigmatic means any clear example. तो आपका जो सिंटेगमैटिक है और पैराडिमेटिक है कंट्रोल करता है कि किस तरह से साइन जो है एक दूसरे से रिलेट होते हैं जितनी भी आपके symbols हैं आपके साइंस हैं सिंटेगमैटिक रिलेशनशिप इज when signs occur in sequence and operate together to form meaning. अब इसमें आप relationship देखते हैं syntagmatic में कि वो किस sequence के साथ अकर हो रहा है उस word का उस symbol का और meaning का आपस में क्या relationship है Paradigmatic relationship is where an individual signs can be replaced by one another. इसमें आप एक साइन को दूसरे साइन के साथ रिप्लेस कर देते हैं पैराडिमैटिक में सो स्टूडेंट दिस वाज आवर टूडेज लेक्चर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरिन एंड डी सोशियो स्ट्रक्चर लैंग्वेज तो इसने जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पेश किया स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से इसका जो फोकस था लैंग्वेज में वो उसके स्ट्रक्चर पर था जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया सिंबल होती हैं साइंस होते हैं सिंबल और साइंस की मदद से किस तरह से हम लोग जो है वो मीनिंग को गेट कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से इसने अपना जो है वो कॉन्सेप्ट पेश किया लैंग्वेज लैंग एंड पैरोल ठीक है लैंग्वेज जो है आपको पता है रूल बेस्ड होती है और जो लैंग होती है उसमें जो है वो पर्सनल लैंग्वेज होती है किसी भी पर्सन की ठीक है उसमें रूल्स नहीं होते वो सेम होती है लैंग्वेज जो है वो सेम होती है लैंग जो है वो सेम नहीं हो सकती Individual to individual, yeah, person to person that can be very. So, dear students, this was today's lecture, and uh, inshallah, we will see in the next lecture with some other topic of Ferdinand DiSocio. Till then, Allah Hafiz.